मजदूरी बकाया होने के कारण भुखमरी की स्थिति में मजदूरी भुगतान को लेकर दैनिक परिश्रमिक मजदूर वाहन चालक व अन्य कर्मी 11 जुलाई से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, जिसको लेकर जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी ने आमरण अनशन पर पहुंचकर अनशनकारियों के साथ उन्हें आश्वासन दिलाकर और जूस पिलाकर अनशनकारियों से अनशन तोड़वाया और उन्हें हर संभव मजदूरी का भुगतान करने को लेकर बात कही। साथ ही उन्होंने सभी मजदूरों को 30 तारीख तक मजदूरी भुगतान कराने को लेकर बात कही। अगर मजदूरी भुगतान नहीं हुई तो पूरे जिला परिषद सदस्य के साथ अनशन पर बैठने की बात कही। मेरा अंतिम प्रयास है सर, चूंकि इससे पहले दर्जनों बार हम पदाधिकारी को लिख चुके हैं और हम भी लिखे हैं, हमारे पदाधिकारी भी लिखे हैं सर, लेकिन अभी तक का कोई जवाब नहीं है, इसलिए बाध्य होकर के हमें आमंत्रण का क्या आपके सपोर्ट में कोई हमारे जनप्रतिनिधि हमारे पास जनप्रतिनिधि में माननीय अध्यक्ष जिला परिषद सदस्य गढ़वा हैं तथा जितने भी जिला परिषद सदस्य हैं हमारे साथ, वो सभी कोई हमारे साथ और उन्हीं के माध्यम से हम इस अनशन को समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिलाया आपको? उन्होंने आश्वासन दिया कि 30 जुलाई 2022 तक इन लोगों का भुगतान कर दिया जाएगा, यदि भुगतान नहीं होता है तो फिर सड़क पर आंदोलन के लिए बाध्य होकर उतरना होगा और हमारा भी यही कोशिश रहेगा कि इन लोग को पेमेंट 30 तारीख तक हो जाए करवा दें। मैंने आपकी उम्मीद है कि 30 तारीख पे क्या पूरा प्रयास भी करेंगे इन लोग के लिए और नहीं बने तो अनशन पर हम भी बैठेंगे इन लोग के साथ, पर्सनल हम बैठाएंगे। गायत्री गारमेंट्स मल्टी ब्रांडेड शोरूम, सभी प्रकार के जींस शर्ट बाबा सूट कोट पैंट शेरवानी लेडीज कुर्ती प्लाजो फैंसी गाउन सूट क्रॉप टॉप एवं फैंसी मिडी का अनुपम संग्रह आर गुप्ता के सामने गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स मेन रोड गढ़वा।